रुद्रप्रयाग जिला पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा की अमरदीप शाह विजयी रही। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति देवी पर 5 मतों से जीत दर्ज की। अमरदीप शाह के दूसरी बार निर्वाचित होने के बाद भाजपाइयों ने विजय जुलूस निकाला। आपको बता दें कि विकास भवन सभागार में कड़ी सुरक्षा के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित की देखरेख में मतदान प्रक्रिया शुरू की गई। 18 सदस्यों वाली जिला पंचायत के लिए 2 बजे तक 17 सदस्यों ने मतदान किया। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित की मौजूदगी में मतगणना का कार्य किया गया। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने परिणाम की घोषणा की, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह को 11 मत मिले, जबकि विपक्षी सदस्यों की प्रत्याशी ज्योति देवी को कुल 6 मत मिले हैं। पार्टी प्रत्याशी की जीत पर बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर में विजयी जुलूस निकाला। वहीं रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। कहा कि भाजपा की जीत पहले ही पक्की थी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते थे, आज हमारा जो ट्रिपल इंजन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। चाहे राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं को आप देख लें, रेल विकास निगम का जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम है वो वार फुटिंग पे चल रहा है। ऑल वेदर रोड का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारे जो चार धाम की यात्रा है उसने ऑल टाइम रिकॉर्ड इस बार स्थापित किया है। और पुनः पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, माननीय सदस्यों ने मेरे पे विश्वास जताया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश संगठन का, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी का और रुद्रप्रयाग के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी का और मेरे सभी सम्मानित सदस्य जिन्होंने 10 सदस्यों ने और 11वीं में थी हम मेरे को वोट किया है, मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ। देखिए राजनीति है, राजनीति में हर चीज़ संभव है। और जो पिछली बार हम विश्वास में सभी लोग 14 लोगों ने इनके खिलाफ मतदान किया था, उसमें भी एक जो सदस्यों की नाराजगी थी और नाराजगी के रूप में उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करी। इनको 3 महीने कुर्सी से बाहर रहना पड़ा। उसके बाद सब लोगों से बातचीत करके जो पुराने में जो कुछ गलतियाँ की गई थी उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाएगा, कहीं के अध्यक्ष जी ने सबका अपना भरोसा जीता और विकास में हर एक सदस्य को एकजुटता के साथ एक संकल्प लेकर और एक आपसी तालमेल की भावना से आगे विकास, जनता के विकास के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए, इस जिले के विकास के लिए काम किया जाएगा।